फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी यहां नॉमिनेशन को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं और आज जबरदस्त गहमागहमी के बीच लोग यहां नॉमिनेशन कर रहे हैं। जबरदस्त हुजूम उमड़ा हुआ, चारों तरफ से लोग पहुंच रहे हैं। चास प्रखंड के अलग अलग जो पंचायत है वहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस समय हमारे साथ मिर्धा पंचायत से इन्होंने नॉमिनेशन किया है और अभी अभी ये निकली है। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इनका क्या नाम है, की नाम बोले तो शांति देवी। मिर्धा पंचायत अखन वर्तमान की समस्या है? सब समस्या ठीक है, अखन सब काम सब काम भेल है तो बाकी जे माने समस्या है सोटा दूर करबे तो हां ई बात जे जितिए तो सब दूर कर दो। माने गांव के जे लोके पानी के समस्या या आवास के समस्या या पेंशन एक समस्या दूर भेल है? हां सब दूर भेल, थोड़ा बहुत फिर बाकी है सब सब इस बार पूरा है। हां जे थोड़ा बहुत बाकी है ये अभी निवर्तमान मुखिया इनके परिवार से आज आपने अपने परिवार को मुखिया के लिए नॉमिनेशन कराया, क्या कुछ समस्या छूट गया है सर? आप तो जानबे करते हैं महोदय, इतिहास गवाह है, एक आदमी से सब काम होता नहीं है, अर्धांगिनी की जरूरत पड़ता है। भगवान भी चाह रहा था कि मैंने जितना दूर हो सका काम किया है, कुछ थोड़ा बहुत जो समय की कमी के कारण बाकी रह गया है वो मेरी धर्मपत्नी पूरा करेगी, ये मेरे वादा है जनताओं के बीच। ने जो मिर्धा पंचायत वहाँ के लोगों के आग्रह पर आपने इनको आगे लाया है? सभी का मांग था, एकजुटता की मांग थी, सबका आवाज़ था, युवाओं के मांग था, इसलिए मैंने इनको आगे किया है। आपकी नज़र में वर्तमान में क्या मुख्य समस्या आपसे छूट गया सर? हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है क्योंकि हम लोग बॉर्डर से बिलोंगिंग है। हाँ। उसको सबसे पहले मैं इस दूर करने अगर का काम करूंगा। तो करेंगे दूर, निश्चित रूप से करूंगा, ये मेरी वादा है। तो ये साफ साफ इनका कहना है कि अगर इस बार उस पंचायत के लोगों का, मिर्धा पंचायत के लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो जो समस्याएं छूट गई है रह गई है उनको दूर करने का काम ये परिवार मिर्धा पंचायत में करने जा रहा है।